नमस्कार, हम प्रतिमा। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री ओली द्वारा लंचौड़ी स्थित शहीद स्मारक में पुके शहीद सबके श्रद्धांजलि अर्पण। शहीद के सपना पूरा करेला जोड़। नेकपा नेपाल दहाल पक्ष के विद्यार्थी सब द्वारा तीसरका चरण के आंदोलन घोषणा। बालोटार घेराव से लेके मंत्री सबके सार्वजनिक बहिष्कार करे तक के कार्यक्रम तय। नवलपरासी में भूकंप से क्षति, निजी आवास तरफ के पुनर्निर्माण अंतिम चरण में। तीव्र गति में भइल काम से अपेक्षित उपलब्धि हासिल। पोलैंड में बहुत विवादास्पद गर्भपतन पर लगावल प्रतिबंध विरुद्ध राजधानी वार्सा में प्रदर्शन। 30,000 से बेसी महिला सड़क में। राष्ट्रीय महिला लीग फुटबॉल में त्रिभुवन आर्मी आज चंद्रपुर नगर पालिका भेट रहल, दोनों टीम जीत के खोजी में। आप पूरा समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली लंचौड़ी स्थित शहीद स्मारक में पुके शहीद सबके श्रद्धांजलि अर्पण कैले बानी। शहीद दिवस के अवसर में प्रधानमंत्री ओली लंचौड़ी स्थित शहीद स्मारक में आयोजित विशेष कार्यक्रम के बीच शहीद सब प्रति श्रद्धांजलि अर्पण कैनी हा। ओ अवसर में प्रधानमंत्री ओली शहीद सब केहू के साझा भइला से शहीद के बलिदान से प्राप्त भइल उपलब्धि सब भी सब केहू के साझा भइल भी बतौले बानी। प्रधानमंत्री ओली शहीद के बलिदानी से प्राप्त भइल उपलब्धि सब के रक्षा करे के, सुदृढ़ करे के आ आगे बढ़ा के शहीद के सपना पूरा करे के जिम्मेवारी अभी के आ आवे वाला पीढ़ी के भइल भी बतौले बानी। एउटा स्थानको निर्माण गरेर यसको विस्तार गर्नेछौँ अथवा यसलाई स्थानान्तरण गर्नेछौँ र त्यो सधैँका लागि एउटा अनुकूल स्थान हुनेछ। शहीद दिवस के अवसर में आज काठमांडू महानगरपालिका के संयोजन में शांति वाटिका से लंचौड़ी स्थित शहीद स्मारक तक प्रभात फेरी निकालल गेल रहे। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्र राज जोशी नेकपा के सरकार बनल बिरिया से शहीद सबके बलिदान से उपलब्धि ऊपर प्रहार होखे लागल बतौले बानी। गणेश मान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठान द्वारा आज काठमांडू के शोभा भगवती में आयोजना कैल गेल कार्यक्रम में वहां के शहीद सबके बलिदान से दिलावल गेल राजनीतिक स्थिरता के कुचलत सर्वसत्ताबाद लाधल भी आरोप लगौनी। प्रतिष्ठान के अध्यक्ष समेत रहल जोशी राज्य के सभी संस्था सब ऊपर निरंतर आक्रमण करके प्रधानमंत्री ओली राज्य संचालन प्रणाली ही कमजोर बनावल जिक्र कैले बानी। कार्यक्रम में शहीद सब दशरथ चंद आ गंगालाल श्रेष्ठ के शालिक में माल्यार्पण भी कैल गेल रहे। शहीद सब के सपना पूरा करेला आ देश में व्यक्तिवाद तथा स्वेच्छाचारिता के अंत कैल कहत आधा घंटा धरना भी देहल गेल रहे। संसद विघटन के विरोध में आंदोलनरत नेकपा दहाल नेपाल पक्ष के विद्यार्थी सब तीसरका चरण के आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा कैले बाटे लोग। अनेरा सबियों के दहाल नेपाल पक्ष के विद्यार्थी सब तीसरका चरण के आंदोलन में बालुवाटार घेराव से लेके मंत्री सबके सार्वजनिक बहिष्कार करे तक के कार्यक्रम तय कैले बा। अनेरा सबियो माघ 22 गते आ 23 गते सरकारी नंबर प्लेट के गाड़ी चले ना देवे के निर्णय भी कैले बा। तेसरका चरण के आंदोलन आवे वाला फागुन 2 गते तक रही। बालुअटार घेराव से लेके प्रतिगमनकारी मंत्री सबके सामाजिक बहिष्कार करे के आ उलोक के गाड़ी चले ना देवे लगात के कार्यक्रम होखी। अनेरा सबियो द्वारा लिपुलेख लिम्पिया धुरा सहित के नया नक्शा छापल पाठ्य पुस्तक सार्वजनिक करके पढ़ावे पड़े के भी मांग कैल गेल बा। संसद विघटन के विरोध में अनेरा सबियो पहिलका आ दोसरका चरण के आंदोलन के क्रम में सड़क बहस, बैलगाड़ी रैली, लालटेन जुलूस, व्यंग्यात्मक कार्टून प्रदर्शनी लगात के कार्यक्रम कर चुकल बा। नेकपा ओली पक्ष के केंद्रीय सदस्य महेश बस्नेत सूर्यचिन्ह केपी ओली के होखे के दावी कैले बानी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठ के सिद्धांत के ओली द्वारा पीछा कर रहल कहत बस्नेत विरोध करे के शक्ति के निर्वाचन में देखावे के जिक्र भी कैले बानी। बस्नेत ओली पशुपतिनाथ आ दहाल नेपाल बाहर बैठे वाला भोलेनाथ रहल भी बतौले बानी।
प्रचण्ड र माधव नेपालहरु नेपालको राजनीतिको भोले नाथहरु हुन्थे पशुपतिको प्राङ्गणमा बसेर पशुपतिलाई झुक्याइरहन सक्थे उन। दाहाल नेपाल के हसिया हथौड़ा चिनी में चुनाव लड़ेला आग्रह करत बसनीत माओवादी के शहीद अपांग आघायल सब के केपी ओली से पाल पाले ना सके के भी बतौले बानी महाधिवेशन नगर सके पछाड़ी कई ठाव में फर्किने बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन। सूर्य चिन्ह लिएर लड्छौ तपाई माओवादी केन्द्र भएर हैसा हथौड़ा लिएर लड्नुहोस्। माओवादी भित्रको अन्यायमा परेका थिचोमिचोमा परेका शहीद परिवार द्वन्द पीडित बहिर्गमित लडाकु अब केपी ओलीले पाल्न सक्दैनन्। नेता बस्नेत ओली आइफोन स्यामसङ ब्रान्ड भइल आधा नेपाल पक्ष लोप हो चुकल नोकिया ब्रान्ड भइल भी संज्ञा देहनी हा। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। नेपाली सेना के प्रधान सेनापति पूर्णचंद्र थापा नेपाली सेना में आबद्ध होके अवकाश के बाद विदेश जाय वाला प्रथा के रोकेला विशेष कार्यक्रम लियाबल बतौले बानी। नेपाली सेना के बृहत वृक्षारोपण कार्यक्रम के खातिर गृह जिला लमजुंग आयल सेनापति थापा ऐसन बात बतौनी हा। नेपाली सेना में 16 बरस सेवा करके अवकाश के बाद रोजगारी खातिर ही विदेश आय के बाध्यता कम करेला अवकाश से पहले ही विभिन्न प्राविधिक शिक्षा शुरू कर गई प्रधान सेनापति थापा बतौले बानी। अवकाश प्राप्त सेना सबके व्यवसायिक बना सकला पर उलोक के सैन्य जीवन के अनुभव से समाज में भी सकारात्मक प्रभाव करे के प्रधान सेनापति थापा के कहना बाटे। नेपाली सेना बाट अवकाश भएपछि विदेश में दलाली अथवा गुलामी गर्न जाने भएन। अब यही नै पर्याप्त अवसरहरू छन्। ती पर्याप्त अवसरहरू जुटाउनको निमित्त हामी प्रयास गर्छौँ। सुरु सुरुका दिनमा दुःख हुनसक्छ, गाह्रो हुनसक्छ, तर चाहिँ नि पछि आफूले दुःख गरे पनि आफ्ना सन्ततिहरूले चाहिँ नि त्यसबाट केही न केही लाभ लिन सकुन्। लमजुङ स्थित नेपाली सेना के सृजंग गण द्वारा प्रकृति के साथ समृद्धि कहवाला नारा के साथ जिला के विभिन्न जगह में एक साथ 15,750 को पौधा रोपल गेल बाटे। पिछला समय बांझ रहल जग्गा आ सार्वजनिक जमीन सब में फलफूल आ विभिन्न प्रजाति के पौधा सब रोप के वातावरण संतुलन संग ही व्यवसायिक प्रवर्धन होके के आशा कल गेल सृजंग गण के गणपति जयराम थापा बतौले बानी। जुन फलफुलको बिरुवाहरू रोप्न 15,750 बिरुवाहरू रोप्न गइरहेको छ। अब यसको मुख्य लक्ष्य चाहिँ नि प्रकृतिका साथ समृद्धि हो। सृजनगण लमजुङ के 13.55 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल में 20 किसिम के बहुउपयोगी फलफूल के पौधा वृक्षारोपण कैले बा। सेना द्वारा 9 सार्वजनिक जगह आ 4 सामुदायिक जगह में वृहत फलफूल वृक्षारोपण भी कैल गेल बाटे। पूर्व आ पश्चिम नवलपरासी में 2072 साल के महाभूकंप से क्षति भइल निजी आवास तरफ के पुनर्निर्माण के काम अंतिम चरण में पुगल बा। पुनर्निर्माण के काम तीव्र गति में हो रहल कारण अपेक्षित उपलब्धि भी हासिल भइल बाटे। 2072 साल के भूकंप से पूर्वी नवलपरासी में निजी आवास तरफ 1,051 को भौतिक संरचना और पश्चिम नवलपरासी में 20 को भौतिक संरचना में नुकसानी भल में अभी पुनर्निर्माण के काम ओराय के तैयारी में रहल राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण योजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालय नवलपरासी के प्रमुख राजेन्द्र कार्की बतौले बानी। अभी पश्चिम नवलपरासी में निजी आवास तरफ के पुनर्निर्माण के काम ओरा गेल बा तब पूर्वी नवलपरासी में निजी आवास तरफ के 935 भौतिक संरचना निर्माण के काम ओरा गेल बा। बाकी रहल 64 घर के दोसर का किस्ता रकम भी मिलल बा तब बाकी रहल 52 जने भी पहिलका पुनर्निर्माण खातिर पहिलका किस्ता रकम लेले बा। दोसर का किस्ता रकम मिलल मध्य अधिकांश लोग भवन निर्माण के काम ओरा चुकल बा तो पहिलका किस्ता मिले वाला लोग भी 2078 साल बैशाख तक भवन निर्माण ओराए के जनावल गेल बा। हामीलाई चाहिँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको जुन लाइब्रेरीको लिस्ट छ त्यो लिस्ट हामी बैशाख 12 अगाडि नै भ्याउँछौँ। त्योसँग हामी कार्ययोजना बनाइसकेका छौँ। हामी भ्याउन चाहिँ यसलाई माघ मसान्तमा दोस्रो र तेस्रो चाहिँ फागुनमै भ्याउँछौँ र एक महिनाको टाइम चाहिँ हामीले त्यसलाई डिजिटाइजेसन अपलोड गर्नुपऱ्यो सिस्टममा आएको त्यसलाई एक महिना राखेका हौँ। नत्र त हामीले यसलाई चाहिँ फागुनभित्रै भ्याउने अब पक्का पक्की नै भइसक्यो। हामीले 8 लाइब्रेरी भन्दा बाहेक अरू सबैको कम्प्लिकेसन हामी यहाँ छैन। 8 सम्पर्क सबैजना गाह्रो भयो त्यो पनि हामी कल गरिरहेको छौँ। भोलिको दिनमा हामी लाइभ गरेर जान्छौँ।
नवलपरासी में 2072 साल के महाभूकंप से 210 को विद्यालय के 520 को कक्षा कोठरी में नुकसानी पुगल रहे, जे मध्य कक्षा कोठरी पुनर्निर्माण के काम भी अंतिम चरण में पुगल भा। 218 को कक्षा कोठरी पुनर्निर्माण भइल बाटे। नवलपुर से खगेन्द्र पराजुली के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचार के साथ में 2 PM अकबरी नूडल्स, द हॉटेस्ट नूडल्स ऑफ नेपाल। हप्ता के अंतिम कारोबार दिन आज सोना के दाम स्थिर बाटी त चांदी के दाम बढ़ गेल बा। बजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 92,000 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बाटे। तेजाबी सोना प्रति तोला 91,500 रुपया में कारोबार हो रहल बा। चांदी के दाम तोला में 40 रुपया से बढ़ के प्रति तोला 1,285 रुपया में कारोबार हो रहल महासंघ जनौले बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना प्रति औंस 1,843 डॉलर के करीब में कारोबार हो रहल बाटे। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। आप खेलकूद समाचार। राष्ट्रीय महिला लीग फुटबल में विभागीय टीम त्रिभुवन आर्मी क्लब आरौथट के चंद्रपुर नगरपालिका बीच के खेल अभी जारी बाटे। सादोबाटो स्थित इन्फा कम्प्लेक्स में जारी खेल में आर्मी चंद्रपुर के विरुद्ध अभी 4-0 से आगे बाटे और आजो के खेल में आर्मी विजेता होके के लगभग पक्का पक्की बाटे। आर्मी 3 खेल में 4 अंक जोड़ के 5वां स्थान में बा। चंद्रपुर के हरौला पर आर्मी दोसर का स्थान में आ सके। उपाधि बहुत ही आजू के मजबूत मानल गेल बा। आर्मी के आजू के जीत बहुत ही अभी जीत के नजदीक भइला से आजू के जीत ओ खातिर महत्वपूर्ण बाटे और चंद्रपुर 3 अंक जोड़ के लीग के 6ठा स्थान में बाटे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रधानमंत्री ओली द्वारा नई चोरी स्थित शहीद स्मारक में पुके शहीद सबके श्रद्धांजलि अर्पण, शहीद के सपना पूरा करेला जोड़। नेकपा नेपाल दहाल पक्ष के विद्यार्थी सब द्वारा तीसरका चरण के आंदोलन घोषणा, बालुआटार घेराव से लेके मंत्री सबके सार्वजनिक बहिष्कार करे तक के कार्यक्रम तय। नवलपरासी में भूकंप से क्षति निजी आवास तरफ के पुनर्निर्माण अंतिम चरण में तीव्र गति में भय काम से अपेक्षित उपलब्धि हासिल। पोलैंड में बहुत ही विवादास्पद गर्भपतन ऊपर लगावल प्रतिबंध विरुद्ध राजधानी वार्सा में प्रदर्शन, 30,000 से बेसी महिला सड़क में। राष्ट्रीय महिला लीग फुटबल में त्रिभुवन आर्मी या चंद्रपुर नगर पालिका के बीच के खेल जारी, आर्मी 4-0 से आगे। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमने की वेबसाइट jantasamachar.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।